नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तो आज बहुत ही बड़ा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो काफ़ी स्टूडेंट को अच्छा लगेगा और काफ़ी एक अच्छी बात है नोटिफिकेशन जारी हुआ। लेकिन इसके साथ ही एक बुरी खबर भी है जो आज के नोटिफिकेशन में पता चलेगा और आज की वीडियो में पता चलेगा। वो CET का ग्रेजुएशन लेवल का आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या योग्यता रहेगी और सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। और एक आश्चर्यजनक करने वाला नोटिफिकेशन क्या है, यानी एक आश्चर्यचकित करने वाला नोटिफिकेशन क्या है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। चलिए, तो अभी अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें CET ग्रेजुएशन लेवल का 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 12th लेवल का भी होना बाकी है, इसलिए अभी ये पहले यू है तो इसके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, चलो देखो, CET ग्रेजुएशन लेवल 2024 का नोटिफिकेशन, यानी समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर पर, ठीक है, यानी स्नातक स्तर पर हुआ था। आपके फॉर्म अप्लाई की डेट है 9 अगस्त से 8 सितंबर तक, यानी 9 अगस्त से 8 सितंबर आप एक महीना आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो ग्रेजुएशन लेवल वाले। और इस तरह योग्यता आपकी BA होना जरूरी, यानी ग्रेजुएशन होना आपकी ज़रूरी है। एग्ज़ाम डेट है 28 सितंबर तक, ठीक है, यानी जो एग्ज़ाम डेट है वो 25 से 28 सितंबर होने वाली है। और क्वालिफिकेशन जो मार्क में SC ST वालों को पास होने के लिए 40% से अबो होने, यानी ऊपर होने चाहिए, यानी SC ST वाले हैं उनको 40% से ऊपर होने चाहिए पास होने के लिए स्थानांतर, यानी ग्रेजुएशन लेवल वाले। देखिए, ये कुछ थी। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ है कि अब की बार राजस्थान CET में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग का होने वाला है, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है इस बार। ये बहुत ही बड़ा है, क्योंकि पिछली बार हुई नहीं थी नेगेटिव मार्किंग, लेकिन इस बार होने वाली है। चलिए अगला देखते हैं क्या है CET के बारे में। देखते हैं कि राजस्थान CET में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। और इसमें देखो, विशेष विवरण दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर के ज्ञान, समवायिक घटनाएं, तो ये सभी आपका आने वाले लगभग आपके 150% आएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, 300 नंबर का आपका पेपर होगा। आपके पास 3 घंटे का समय होगा, ठीक है, यानी 150 नंबर का पेपर होगा, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 300 नंबर का आपका पेपर होगा, और वो आपका पेपर 3 घंटे का होने वाला है। सभी प्रश्न हैं जो आपके अभ्यसद में आने वाले हैं। और इस बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि देखो, पहले 4 ऑप्शन आते थे, अब की बार 5 ऑप्शन आने वाले हैं, ठीक है, आपके पास 5 ऑप्शन वाले ABCD और E भी आने वाला साथ में, ठीक है। और किसी प्रश्न को गलत उत्तर देने पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3, यानी 1/3 अंक है जो काट लिया जाएगा, यानी आपके मार्किंग माइनस मार्किंग होने वाली है। चलिए सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत से आपके सिलेबस में बहुत कमी नहीं छोड़ी है सरकार ने, सिलेबस बहुत ही लंबा है। देखिए कि देखो, इस बार सिलेबस में क्या क्या रहा है देख लेते हैं। ये पाठ्यक्रम विवरण में एक बार देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत के इतिहास में क्या क्या दिया हुआ आपके टॉपिक। पहला टॉपिक है कि भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसमें 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी और सामाजिक और धार्मिक सुधार में आंदोलन, इनके बारे में आपके पूछेंगे। दूसरा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न अवस्थाएँ, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करता हुआ, इनका योगदान क्या कर रहा था वो भी पूछेंगे। 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान रहा था, राजस्थान में जनजातीय किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण, यह प्रजामंडल आंदोलन भी रहा था। और अगला है कि राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, कुल मिलाकर आपका ये होने वाला था। और राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति में क्या देगी, एक बार प्राचीन सभ्यता में कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाताल और बैराट में राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं में प्रमुख राजवंश, उसकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम होने वाले हैं। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता में आपके होने वाले किले, स्मारक कलाएँ, चित्रकलाएँ और हस्तशिल्प कलाएँ।
राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में आपकी क्षेत्रीय बोलियाँ होने वाली है। मेले, त्यौहार, लोकगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन व संत लोक देवता है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान का प्रमुख एकीकल। यानी जो आपकी सी ई टी का सिलेबस है, जो आर एस पी का सिलेबस है, उसका 3 गुना बड़ा होने वाला है। तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो। अगला देखिए कि भारत का भूगोल में क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं। तो भौतिक स्वरूप में पर्वत होने वाले, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, जलवायु एवं मानसून तंत्र, प्रमुख नदियां, बांध, जिले एवं सागर, वन्य जीव अभयारण्य, जंतु। प्रमुख फसलें में गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय एवं कॉफी होने वाली है। प्रमुख खनिज में आपके होने वाले लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत। प्रमुख उद्योग में औद्योगिक प्रदेश होने वाले, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन, व्यापार। यानी उन सभी के टॉपिक से थोड़े बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला राजस्थान का भूगोल को देख लेते हैं। भूगोल में क्या क्या क्वेश्चन टॉपिक आने वाले हैं। देखिए, भूगोल में भूगर्भिक संरचना, आंतरिक आकृतिक प्रदेश होने वाला है, जलवायु दशाएँ होने वाली है, मानसून तंत्र एवं जलवायु प्रदेश, अपवा तंत्र, जिले, सागर, बांध एवं जल संरक्षण तरीके, तकनीकें, प्राकृतिक वनस्पति में वन्य जीव, जंतु एवं अभयारण्य, मृदाएँ, रबी एवं खरीफ की प्रमुख फसलें, जनसंख्या में वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात होने वाले। प्रमुख जनसंख्या में धात्विक, अधात्विक, खनिज पदार्थ होने वाले हैं। अगला देखिए कि ऊर्जा संसाधन में परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा, पर्यटन स्थल होने वाले हैं। आयात के साधन में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेल मार्ग, वायुयान। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था में क्या क्या होने वाला, आपके देखिए जल्दी से। इसमें देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका। संविधान सभा में भारतीय संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्च न्यायालय, संघीय और कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त आयोग शासन एवं पंचायत प्रणाली, राजस्थान की राजनीति और प्रशासन व्यवस्था, राजस्थान मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान की लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, ये आप सभी के आने वाली है राजनीतिक व्यवस्था के अंदर। भारत की व्यवस्था के अंदर पूछ ले तो उसमें प्यारे विद्यार्थियों कि बजट निर्माण, बैंकिंग, लोकवित्त, वस्तु सेवा कर, राष्ट्रीय आय, समृद्धि, विकास का आधारभूत ज्ञान, राजकीय कोष, मौद्रिक नीतियाँ, सब्सिडी, लोकवित्त प्रणाली, ई कॉमर्स, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की मुख्य वर्तमान की स्थिति, मुद्दे एवं पहल, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पंचवर्षीय योजना में नियोजन प्रणाली होने वाली है, प्रमुख आर्थिक समस्या में सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राजस्थान की खाद्य व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, वृद्ध सिंचाई एवं नदी की परियोजनाएं, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र, विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं। यानी परियोजना के बारे में आपसे पूछा जाएगा बिल्कुल, और कोई डाउट हो तो पूछेगा, भेज दीजिए। अगला कि उद्योगों का विकास, उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग, निर्यात एवं सामग्री, राजस्थानी हस्तकलाएं, गरीबी, बेरोजगारी, अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान। जो बेरोजगारी एवं गरीबी है उनके कारण, प्रकार, निदान, उनके बारे में पूछा जाएगा आपसे। योजनाएं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान किया गया होना चाहिए, उनसे भी आपसे पूछा जाएगा। विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, विकास संस्थाएं, आजादकरण आंदोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 33 संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं में ग्रामीण विकास में भूमिका है। अगला देखिए, विकास में प्रौद्योगिकी में सूचनाएं, विकास प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह, विद्युत धाराओं, ऊष्मा कार्य एवं ऊर्जा, आहार एवं पोषण, रक्त समूह एवं आहार कार्य, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग, पर्यावरणीय परिस्थितिकी परिवर्तन एवं इसके प्रभाव,
जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संसाधनीय विकास, जंतुओं एवं पादों का आर्थिक महत्व, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान में के विशेष संदर्भ में, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अम्ल सार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, ब्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन एवं मार्जक। अब देखो तार्किक के बारे में बात कर लेते एक बार थोड़ा। तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता में कहते हैं कि मेकिंग सीरीज, एनालॉगी, ठीक है, ये कुछ आने वाले अल्फाबेट्स, फेसेज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेटिंग इनपुट, नंबर मेकिंग, लॉजिकल, ठीक है, ये सब कुछ आने वाला है, परसेंटेज वगैरह, सिंपल और यूनिटरी मेथड आने वाला है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस वगैरह, एवरेज रेटियो, रेशियो भी आने वाला है आपका, वॉल्यूम ऑफ ये भी आने वाला है। सामान्य हिंदी में संधि विच्छेद आने वाला है, संज्ञा सर्वनाम, विशेष क्रियालिंग, वचन कारक, समास, सामाजिक पद की उभरे विषयक, उपसर्ग, पढ़ते विलोम शब्द, पर्यायवाची विराम, अनेकार्थ शब्द, ध्वनि उसका परिचय, पारिभाषिक शब्द आपका, अशुद्ध शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, समाज, भाषा, हिंदी, ये सब कुछ कुल मिला के सिलेबस आपका। सिलेबस में गवर्नमेंट ने कमी नहीं छोड़ी है, सिलेबस फुल फुल भरपूर दिया है, और इस सिलेबस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो। ये कुछ सिलेबस था और ये कुछ थी सीईटी की ग्रेजुएशन लेवल के बारे में, और ट्वेल्थ लेवल के अभी आए नहीं है, ट्वेल्थ लेवल का अभी नोटिफिकेशन आए नहीं, आने में थोड़ी देरी है, आ सकता है, अभी भी आने वाला ही है। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, आप आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता है आपको नई नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।